खबर जयपुर से है। झांसी राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत ने सरकार से उसकी मांगे पूरी करने के लिए 2 दिन का समय दिया है। शीला शेखावत का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 3 मार्च को सड़कों पर राजपूत समाज उतरेगा, जिसके लिए खुद वे पैतृक गांव गोगामेडी से मुख्यमंत्री आवास के लिए पैदल मार्च करेंगी। बता दें, सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिवार की सुरक्षा और उनके भरण पोषण के लिए संघर्ष समिति ने कुछ मांगे रखी थी, जिसमें पहली मांग अपराधियों की गिरफ्तारी थी और दूसरी उनके परिवार के पालन पोषण के लिए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग रखी गई, जिसमें परिवार में योग्य व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरी की अन्य मांगे भी रखी गई। मेरे पति को अभी तक न्याय नहीं मिला है। 5 दिसंबर को राजपूत करणी सेना के हम कह सकते हैं अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद पूरा राजपूत समाज ही नहीं, सर्व समाज सड़कों पर आ गया था और सुखदेव जी के लिए न्याय की गुहार लगा रहा था। आपको बता दें कि 15 दिन के बाद ही NIA को ये पूरा मामला सौंप दिया गया, लेकिन आज सुखदेव सिंह का परिवार यहाँ पर खड़ा है, अपने लिए न्याय की मांग कर रहा है। हमारे साथ उनकी पत्नी शीला जी है। शीला जी, प्रमुख मांगे बताइए बहुत शॉर्ट। सर, अभी तो फिलहाल हमारे गवाहों की सुरक्षा मिल जाए और आर्थिक जो पैकेज देना था वो मिल जाए और सरकारी नौकरियों के लिए बोल रखा है। तो ये जो 11 मांगे हमने मांगी थी, जो जिनमें से 2 तो मान ली थी उसी टाइम पे, अदरवाइज जो रह गई वो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मान ली जाए। सरकार का कोई प्रतिनिधि आपसे मिला या आप CM साहब से मिले? नहीं, CM साहब से मिलने की कोशिश करी 2-3 बार, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया। और अदर में 1-2 के पास हम मिले हैं तो उन्होंने बोला कि हाँ, जल्दी हम आपके भाई जो भी आश्वासन दिया है वो पूरा करेंगे जी। सुखदेव जी के साथ कई उनके गार्ड्स भी थे जो उनके सुरक्षा करते थे, उनमें से भी एक जिनकी मृत्यु हुई है, उनके गार्ड रूपी भाई थे, उनकी भी मृत्यु हुई थी, उनकी भी धर्मपत्नी हमारे साथ है। मैम, आपकी क्या कुछ मांग? जी, उस टाइम यही कहा गया था कि आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी और सरकारी नौकरी दी जाएगी और सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। अभी तक उसका कोई ध्यान नहीं दिया गया है, तो बस यही मांगे हैं जो पूरी कर दी जाए। हमारे साथ में आपको बता दें कि सुखदेव जी के परिवार से और भी लोग हैं। सर, राठौड़ साहब आपके पास में आए थे वो धरना खत्म करने कि, और आश्वासन भी दिया था, उस बारे में क्या कहना? नहीं, आश्वासन दिया था, आश्वासन में हमें जो 11 सूत्री मांगे, जो हॉस्पिटल के बाहर जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उसमें 11 सूत्री मांगे थी, उनमें से जो मांग थी वो NIA की मांग थी, वो तो जो समिति बनी थी उसकी थी। परिवार के लिए जो मांगे की गई थी तो उसमें सुरक्षा की मांग थी, वो सुरक्षा की मांग कर दी। सभी को हथियार उपलब्ध कराने और लाइसेंस की बात की थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। उनके सबके पेंडिंग पड़े हैं, अभी तक किसी के लाइसेंस नहीं बन रहे हैं, वो प्रक्रिया में उलझा के रख रखे हैं। जहां कलेक्टर के जाओ, SP के जाओ, किसी के पास जाओ, आज तक उनके हथियारों के लाइसेंस नहीं बने हैं। तो सुरक्षा कब तक सरकार देगी? ये सुरक्षा कब तक दे रही है सरकार, जब लाइसेंस ही नहीं बन रहे? हथियार लेके कैसे सुरक्षा करेंगे? जो 1-1, 2-2 PSO दिए हैं, वो इन PSO से होते थे। हमने सुरक्षा के लिए मांग की थी सुखदेव जी से, हमने अनशन किया था, धरना प्रदर्शन किया था, केसरिया महापंचायत में उनसे मांग की थी। वो सरकार फेलियर थी, हमारी मांग है। उस टाइम में जिन्होंने सुरक्षा देने में जो नाकाम अफसर रहे थे, उनको SIT बिठा के उनकी जांच क्यों नहीं कर रही है? तो जब नई सरकार आएगी, पहले 2 साल अपन पुरानी सरकार पे कर रहे थे, अब नई सरकार बनी हमें क्या दे रहे हैं आप? उनकी सुरक्षा और जो हमें उनके साथ करनी सेना के जो हमारे पदाधिकारी हैं, रात दिन के साथ कर रहे हैं, वो भय के वातावरण में जी रहे हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते, इनके इन दरिंदों के डर से बाहर नहीं निकल सकते, तो सरकार क्या कर रही है, कब तक सोई रहेगी ये? संरक्षक करनी सेना के वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर, 80 दिन बाद आप फिर से यहाँ पर आए हैं, गवाहों की भी सुरक्षा की मांग की गई थी, लेकिन गवाहों को जैसा कि भाई साहब ने बताया कि उनको बिना किसी उसके अपराधियों के सामने पेश कर दिया गया, और अब जो ये न्याय यात्रा जो निकाली जा रही है, ये कहां से कहां तक निकलेगी, कौन सी तारीख से निकलेगी ये न्याय यात्रा? वैसे परमानेंट कोई इरादा नहीं था हमारा, हमने आप लोगों के माध्यम से जो मांगे रखी गई है, हो सकता है सरकार इनको सुन ले और हम भी प्रार्थना करते हैं सुन ले, तो अगर मान ली जाएगी तो हम न्याय यात्रा स्थगित कर देंगे। लेकिन हमारी अगर मांगे नहीं मानी गई तब हमें ये निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय तो कठिन ही है कि डगर छोटी नहीं है, पैदल चलना भी कोई सुविधाजनक नहीं होता और लोगों को दुख देना भी कोई फायदेमंद सौदा नहीं होता, लेकिन मजबूरी बस अगर ऐसी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर हम न्याय यात्रा गोगामेडी से मुख्यमंत्री आवास तक और CMRO तक की निकालेंगे। तो ये थे
सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिवार के लोग, उनकी धर्मपत्नी, उनके भाई, उनके करणी सेना के संरक्षक, और इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर राजस्थान सरकार, जिन्होंने आश्वासन दिया था जब ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे मेट्रोमास हॉस्पिटल के बाहर, तब इन्हें आश्वासन मिला था कि इनकी तमाम जो मांगे हैं वो मान ली जाएगी, लेकिन आज 80 दिन के बाद भी इनकी मांगे नहीं मानी गई है। इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी एक दो दिन हम और देखते हैं, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 3 मार्च को गोगामेडी से सीएम हाउस तक ये न्याय यात्रा निकालेंगे, और उस समय भी अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर कई कड़े कदम करनी सेना उठा सकती है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।